हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने जो सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन को लेके आया हूँ। इस वॉशिंग मशीन का जो प्रॉब्लम है, रिंस और स्पिन नहीं होते, इसके लिए हम इस वॉशिंग मशीन को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन में अभी वॉश हो रहा है, थोड़ा टाइम बाद जब रिंस पर टाइम आएगा तब रिंस नहीं होते और स्पिन भी नहीं होते। इसके लिए हम फर्स्ट टाइम देखेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन मोटर है ये देखेंगे। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन में अभी रिंस पर आ रहा है, इसका जो ड्रम है ये नहीं घूम रहा है। अभी हम इस वॉशिंग मशीन को स्पिन पर स्टार्ट करके देखेंगे, इसका जो ड्रम है ये घूमता है नहीं घूमता देखेंगे। आप लोग देख सकते हो इसका जो ड्रम है ये नहीं घूम रहा है, इसके लिए हम इस वॉशिंग मशीन को हम इस वॉशिंग मशीन का जो पीछे का पैनल खोलेंगे, खोलकर हम जो ड्रेन मोटर का जो वायर है ये चेक करेंगे और हम देखेंगे जो इसका जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर भी देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। मैंने इस वॉशिंग मशीन का जो वायर हार्नेस है ये भी चेक कर लिया है, ये ठीक है। अभी हम चेक करेंगे इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन मोटर है ये चेक करेंगे। फर्स्ट टाइम हम इस वॉशिंग मशीन का जो अंडर में जो पानी है ड्रम पर, इसको हम हाथ से बाहर निकालेंगे। निकाल कर हम इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन का जो कनेक्शन है ये हम जो मल्टीमीटर से एसी मोड पर लगाकर हम चेक करेंगे। मैक्सिमम होना चाहिए इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन मोटर का जो कनेक्शन वोल्टेज होना चाहिए 200 होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन में मैं अभी मल्टीमीटर से जो इसका जो ड्रेन मोटर का जो वायर है ये चेक कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन मोटर का जो वायर है 200 वोल्टेज आ रहा है। इसका जो इस वॉशिंग मशीन में जो इसका जो मोटर है ये घूम रहा है। मैंने इस वॉशिंग मशीन का जो पानी है ये बाहर निकाल लिया था, इसलिए इस वॉशिंग मशीन का जो मोटर है ये घूम रहा है। इस वॉशिंग मशीन का जो प्रॉब्लम है ये ड्रेन मोटर खराब है, इसलिए इस वॉशिंग मशीन में जो रिंस और स्पिन पर काम नहीं करता है। अभी हम इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन मोटर है ये चेंज करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। आप लोग देख सकते हो मैं जो इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन मोटर है ये खोल लिया है। अभी हम इसमें जो सैमसंग की नया ड्रेन मोटर लगाएंगे। आप लोगों को इस ड्रेन मोटर का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को इस ड्रेन मोटर का जानकारी दे सकता हूँ। अभी मैं इस वॉशिंग मशीन में जो ड्रेन मोटर है नया वाला ये लगाएंगे, लगाकर हम आप लोगों के सामने स्टार्ट कर देखेंगे। मैंने इस वॉशिंग मशीन में जो नया वाला ड्रेन मोटर है ये लगा लिया है। आप लोग देख सकते हो ये जो पुराना वाला जो ड्रेन मोटर है ये खराब वाला है। अभी हम इस वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर हम देखेंगे इसका जो प्रॉब्लम है ये ठीक हुआ है नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन का जो पानी है ये बाहर भी आ रहा है, और इसका जो ड्रम भी ये भी घूम रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है, इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन मोटर खराब है, इसलिए इस वॉशिंग मशीन में जो रिंस और स्पिन पर काम नहीं करता है। आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को इस वॉशिंग मशीन का जानकारी दे सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन मिलेंगे। मैंने इस वॉशिंग मशीन का जो रिंस और स्पिन का प्रॉब्लम के लिए मैंने ड्रेन मोटर चेंज किया है। आप लोगों को इस ड्रेन मोटर का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो।